पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद में लूट के इरादे से की गई थी ई रिक्शा चालक की हत्या। मैनाठेड़ थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर ई रिक्शा चालक की हत्या का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि मैनाठेड़ थाना क्षेत्र के गांव मधुपुरी के जंगल में 23 अगस्त को एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला था, जिसकी पहचान कटघड़ थाना क्षेत्र के अनवार नगर के रहने वाले एहसान के रूप में हुई थी। मृतक के शव के पास ही एक ई रिक्शा खड़ा हुआ था। इस मामले में मैनाठेड़ थाना पुलिस ने कटघड़ थाना क्षेत्र के ही रहने वाले शाकिर हुसैन, नावेद पठान और अब्दुल करीम को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ई रिक्शा से बैटरी लूटने के इरादे से ई रिक्शा चालक एहसान पर हमला किया था, मगर सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी। हत्या करने के बाद तीनों आरोपी ई रिक्शा से बैटरी चोरी कर फरार हो गए थे। मैनाठेड़ थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तेईस आठ 2022 में एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था, आज उसका अनावरण हुआ है और उसमें ग्राम मधुपुरी थाना मैनाठेड़ में एक अज्ञात बॉडी मिली थी और एक वहाँ पर ये बात थी कि एक रिक्शा की लूट हुई और साथ में इसका मर्डर हुआ है। तो इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 लोग अज्ञात इन्होंने गिरफ्तार किए। उन तीनों के नाम शाकिर हुसैन, नावेद पठान और अब्दुल करीम, जो कि थाना कटघर के रहने वाले हैं। इन लोग का प्लान यही था कि ये जो व्यक्ति है जिसका व्यक्ति का नाम अहमद एहसान है, इसको इन लोग के द्वारा बुलाया गया और इनका प्लान था कि उसको लूटा जाए और उसको थोड़ी चोट पहुंचा के ये लोग वहां से भागना चाह रहे थे, मगर वो उसने रेजिस्ट किया। रेजिस्ट करने पे इसके सर पे बड़ा पत्थर से इसको मार के उसको वहां हत्या कर दी गई और उसके बाद ये लोग वहां से फरार हो गए। और इसको जितनी भी ई रिक्शा की बैटरीज थी वो उन लोगों ने निकाल ली और वो अपने घर पे पंडित नंगला जो यहाँ रहते हैं कटघर में, वहाँ इन्होंने रख ली थी और इसी को ये फर्दर बेचना चाह रहे थे। तो इसमें बड़ी अच्छी कार्रवाई करके इनको रिकवर किया गया, उनकी अरेस्टिंग की गई है। वारदात को अंजाम देने का मकसद जैसे बताया इन्होंने, ये था कि जो इनकी ये था कि योजना ये थी कि किसी ई रिक्शा चालक को किराए के बहाने ये लोग लेके जाएंगे और फिर उसकी बैटरी लूट लेंगे। बैटरी जो है वो बरामद हुआ है। इनका कोई पूर्व में इतिहास नहीं है।